सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह एवं नगर निगम के प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह के नेतृत्व में पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाकर गुरुवार को महिवा मंडी स्थित एक दुकान पर 3 क्विंटल के करीब पॉलिथीन पाया गया तथा नगर निगम के प्रवर्तन दल टीम द्वारा पॉलिथीन को जब्त करके 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम प्रवर्तन दल टीम द्वारा महिवा मंडी में एक दुकान पर छापा मारा गया, जहां से करीब 3 क्विंटल जो प्रतिबंधित पॉलिथीन है उन्हें जब्त किया गया। इसके साथ 25,000 का जुर्माना भी लिया गया, जो 10,000 नगद और 15,000 का चेक लेखाधिकारी के नाम से लिया गया है तथा जुर्माना करके पॉलिथीन को सीज भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जनपद में लगातार प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं तथा उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कर्नल सीपी सिंह ने बताया कि महिवा मंडी में इससे दुकानदार के खिलाफ पिछले कई बार कार्रवाई किया गया है, लेकिन उसके बाद भी यह दुकानदार पॉलिथीन का सप्लाई करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रतिबंधित पॉलिथीन सप्लाई करने वाले दुकानदार हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान सूबेदार अशोक सिंह, SP शर्मा, हवलदार OP सिंह, कमलेश्वर सिंह, कृष्ण मुरारी, करनाकर पांडे सहित नगर निगम एवं प्रवर्तन दल की टीम मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह एवं सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कहा, ईगो नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ज्यादा देश हमारा आगे नहीं बढ़ा सकता। हर काम को छोटा बड़ा समझते हैं, छोटा बड़ा कोई काम नहीं, काम काम है। सरकार तनख्वाह दे रही है, हम काम कर रहे हैं। बुरी हाँ सर, ये क्या नहीं सर, मतलब है कि बार बार ये चीज करने के लिए क्या जरूरत है, प्रवर्तन करने क्यों पड़ता है? पाँच किलो का अलग अलग बंडल बनाएंगे, हर 5 किलो 25,000 लगाएंगे। समझ में नहीं, तुमको नहीं आ रहा है ना? इसका ले लो, इसका नंबर लिख लो, इसका नंबर ले लो, इसका भी लो, फोन नहीं, फोन नंबर वाला ले लो, उसका नंबर है, कर लो। हो गया, फोटो ले लो पूरी, ऐसे यूं वाले में ले लो, भरवाओ, चलो चलो भरो, किलो भरो, सारी बोरी मरो, आप लोग हटिए भैया, क्या कर रहे हैं? हेलो भाई, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो जी? अभियान देखिए, हम लोग प्रतिबंधित पॉलिथीन के लिए जब से हमारी टीम का गठन हुआ है, हम लोग लगातार ये अभियान चलाते रहते हैं। बीच में चलते रहते हैं, क्योंकि समय का हमारे पास काम का इतना भरमार रहता है, कभी अतिक्रमण का काम रहता है, कभी कोई दूसरा काम रहता है, कोई जो भी नगर आयुक्त साहब देते हैं, और साथ साथ ये पॉलिथीन का भी अभियान हम लोग चलाते हैं। आज हमारी टीम, हम लोग गए थे नौसल पे अपने एक अतिक्रमण के विषय में गए थे, वहीं से लौटे तो मेरे को पता था ये जो व्यापारी है, इसको 5-6 बार हम पहले भी पकड़ चुके हैं। इसका एक हमें शिकायत थी कि ये
सुबह 6 बजे बेचते हैं और भोर में 4 से लेकर 6 के बीच में। तो इनको किसी ने बता दिया कि परिवर्तन की टीम 8-9 बजे आती है, तुम सुबह सुबह अपनी कार्रवाई कर लो। तो ये अपना दलड़े से बेच रहे थे, ये बिल्कुल बेफिक्र के आप खुलेआम बेचना स्टार्ट इन्होंने कर दिया। तो आज मैंने अचानक, मेरे को ये आभास भी था और मेरे को जानकारी भी थी, तो उसी जानकारी पर आज मैं यहाँ पर आया और मैं देखा कि ये खुलेआम ये बेच रहे थे। करीब 6 बोरा पॉलिथीन मैंने पकड़ा है, करीब इसका वजन 3 क्विंटल है। फिर ये आनाकानी कर रहे थे, फिर मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को बुलाया, मैंने कहा कि सर आप भी हो, क्योंकि बिकॉज ये बिल्कुल मतलब कॉन्टिन्यूस ऑफेंडर रहे, मतलब दिस इज द 7th टाइम ये बिन कॉट, तो 7 बार ये पकड़ा जा चुका है, ये मानता नहीं है। और जिस ठेले वाले को बोलते कहाँ से लाया, बोला मैं वर्मा जी कहाँ से लाया हूँ, जिसको मैंने पकड़ता हूँ कहाँ से लाया, वर्मा जी कहाँ से लेके आए। तो इनको मैंने समझाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 1 जुलाई से ये बिल्कुल पूरे देश में इसको प्रतिबंध कर दिया है। अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नगर निगम में आए थे, बोले कि स्मार्ट सिटी का जो होगा, जब हम खुद स्मार्ट बनेंगे, पब्लिक स्मार्ट बनेगी, और इतनी बढ़िया बात उन्होंने बोली मन से और सब लोग उसको, तो हमें मानना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी शहर के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। अभी बीच में जब जल जमा हुआ था, सबसे बड़ा बाधक साला ये पॉलिथीन था, जिस नाले नाली को हम लोग खोलते थे उसमें ये पॉलिथीन जमा जाता है, गाय मरती तो पॉलिथीन से मतलब ये जहर है, मगर ये आदमी छोड़ने को तैयार नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो हम अपनी आदत में सुधार आना चाहिए, दुकानदारों को आगे आना चाहिए, तमाम ऐसे व्यापार हैं कि जो इसको छोड़ के भी किया जा सकते हैं, वही मैं इनको समझा रहे थे। इसीलिए मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को लाना, क्योंकि आनाकानी कर रहे थे, ये जुर्माना वसूला है। जैसे हमने अभी बताया आपको, 10,000 रुपये इन्होंने कैश दिया है और 15,000 का इन्होंने चेक दिया लेखाधिकारी नगर निगम गोरखपुर के नाम पर, तो वो भी जाके जमा हो जाएंगे। ये हमारा पूरा का पूरा जो सामान 3 क्विंटल है, ये हमारा जो प्रोसेसिंग प्लांट है हमारा उसमें, ये सुभाष चंद्र पार्क में जहाँ पर हम इसको प्रोसेस करते हैं, इसको पूरा काटेंगे, इसको ग्रैनुल्स बनाएंगे और बाद में सड़क के काम आएगा या उसकी बिक्री करेंगे ग्रैनुल्स बना के। तो ये कार्रवाई होगी, आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। और ये हम लोग ऐसे ही शहर को इच्छा है कि शहर को बिल्कुल बिल्कुल इसको हम पॉलिथीन मुक्त मुक्त रखें, यही हमारा अभियान। महिमा मंडी में आज नगर निगम के प्रवर्तन दल, जिसके मतलब है कि लीड करता कर्नल साहब हैं, उन्होंने यहाँ पे आके एक दुकान पे छापा मारा है और लगभग 3 क्विंटल पॉलीथीन जो है, जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है, उन्हें जब्त किया गया है। हाँ, जुर्माना भी लगाया गया, नियमानुसार 25,000 जुर्माना इन पे बनता है। 25,000 जुर्माना में 10,000 रुपये इन्होंने नकद दिया है, 15,000 का चेक लेखाधिकारी नगर निगम के नाम से दिया है। तो जुर्माना करके पॉलीथीन की सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। नहीं, लगातार प्रवर्तन टीम कर्नल साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करती है और लगातार मतलब कि इन चीज़ों को देखती रहती है, और हम लोग भी पूरा अपना ये रहता है, सहयोग रहता है कि कर्नल साहब जहाँ भी पहुँचे, जैसे भी पहुँचे, हम लोगों को जैसी सूचना मिले सहयोग के लिए हम लोग अवश्य पहुँचेंगे। और प्रयास हम लोग का ये है कि गोरखपुर में जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है उसका इस्तेमाल ना होने पाए। देखिए, अभी तो चीज़ के लिए वही है कि रेट रेस चल रहा है, हम लोग मतलब है कि बार बार उन्हें मना करते हैं, पकड़ते हैं, जागरूकता भी चलाते हैं, पर जो लोग नहीं बाज आ रहे हैं उन पर मतलब है कि जुर्माने के अलावा भी कार्रवाई भी की जाएगी। अब ये तो देखिए पॉलिसी मैटर है, इसमें मतलब यहाँ पर इस स्तर पर जवाब देना संभव नहीं है।